फाइनली पंचर ठीक करा के हम अभी ये पैंगोंग वाले रोड पे आ गए। सारे बाइकर्स का स्टॉप है, ठीक है। ये देखा रास्ता, वहाँ से हम आए और यहाँ से हम अभी सीधे निकलेंगे पैंगोंग लेक के लिए, जो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से। ये अपनी बाइक, रास्ता खराब है तो हम पूरे पहाड़ के नीचे से आए नदी के रास्ते से। ये देखो ट्रक कैसे चढ़ रही है, बहुत ही हिल पे। ये शायद कैमरे में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये देखो फुल टर्न लिया है और ये देखो कितना एकदम स्लोप पे गाड़ी। इतना हैवी ट्रक भी मतलब ऊपर चढ़ाना बहुत स्किल चाहिए, दिख रहा है आपको। ये देखो और जूम करता हूँ, देखो हाँ कैसे चढ़ा दी बताओ। वो बाइक वाला घबरा के देखो खड़ा हो गया। स्किल है भाई, रास्ते का इतना काम चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि जैसे तैसे हम देखो इस पहाड़ों के बीच में आ गए। हाँ लगी पड़ी है भाई, फुल लगी पड़ी है। बाइकर्स देखो डर गए हाथी के आगे। चलो अब चलते पैंगोंग की ओर। रास्ता देखो काफ़ी एडवेंचर रोड है ये, बहुत धीरे धीरे बाइक चलानी पड़ेगी यहाँ पे आपको, आप जल्दी आओगे। रोड का कहीं मुझे दिखा भी नहीं कि काम चालू है, हमें लगा 1-2 किलोमीटर तक लगेगा लेकिन काफ़ी लंबा है। और ये देखिए पहाड़ देखिए सामने, अमेजिंग व्यू। नीचे पूरी वैली है, इतना सा गाँव वैसा बना है। इसलिए आप जब भी आओ सेफ्टी के साथ आओ, आगे का नज़ारा मैं आपको और बता रहा हूँ। मेरा ड्रीम था पैंगोंग लेक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने जो स्टैंड नहीं लगवाया था अब तक तो इस गाड़ी में था सामान, लेकिन अब ये गाड़ी यहाँ से ले जाएगी और हम जाएंगे हानले। तो उसके लिए यहाँ पे ये स्टैंड लगा रहे ताकि हमारा ये सामान आ जाए और एक्स्ट्रा जो फ्यूल लिया था वो हम लोड कर देंगे इसमें। फाइनली ब्रो पहुँच गया क्या? यस, दिस इज द पैंगोंग लेक। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ गए कहाँ पे, पैंगोंग लेक। ये वो जगह है जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी, इसलिए इसका नाम शूटिंग पॉइंट रखा गया है। यहीं पे आमिर खान और वो सब वांचुक की स्टोरी जो मेंशन की है। कोशिश करेंगे कल हम वांचुक सर से भी मिलने जाएंगे जिन्होंने एक्चुअल स्टोरी दी थी। ये देखो इतना साफ पानी है यहाँ पे, पूरा ट्रांसपेरेंट है, इसमें आपको मछली नहीं दिखेगी। देखो और बारिश में इसमें पूरा बर्फ से जम जाता है। मौसम खराब होने लग गया, ये देखो बादल आ रहे हैं इस तरफ, दिख रहा है, ये दिख रहा है। और स्नोफॉल भी होना चालू हो गया, सर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें, बट ये ओले गिर रहे हैं। ये देखो दिख रहा है आपको, स्नोफ्लेक्स बोलते हैं। ये देखो ये मौसम खराब होने लग गया है ना, ये देखो ऊपर स्नोफॉल होने लगा। फ्रेंड्स ये देखो व्यू पैंगोंग लेक का, अभी हम जा रहे हैं आगे शूट पॉइंट पे जहाँ से आपको और अमेजिंग व्यू मिलेगा। नीचे तो खाई है और ये हम अभी बाइक चला रहे हैं और मेरा आगे का ग्रुप जो जा रहा है। बता दूँ यहाँ पे पैंगोंग लेक का मेन रीज़न है शूटिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ पे बैनर भी लगाया हुआ है 3 इडियट्स का, ठीक है, इसलिए इन्होंने जगह जगह ये चीज़ें रखी हुई है, ठीक है। इसके नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं,
पीछे पूरा लेक है। पर पर्सन 50 रुपीज इस पे। देखो अमेजिंग व्यू है। सो दिस इज द शूटिंग पॉइंट ऑफ इन लद्दाख, पैंगोंग लेक जिसे बोलते हैं। 3 इडियट्स का शूटिंग यहाँ पे हुआ था वांगचुक करके, जब वो लास्ट में मिलते हैं यहाँ पे। और अमेजिंग प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अभी निकल गए हैं पैंगोंग लेक से। हम लोग जा रहे हैं हानले के लिए। ये बैग पूरा पैक किया है और ये नज़ारा है। अब हम चल रहे हैं आगे की ओर।